सब नंबर 7 वन बन वन का ये आपका सेकंड लास्ट सम है एक्सरसाइज का। देखिए आपका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। आपको मैं फाइंड करना आपको ऑफ द ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व या कोई इक्वेशन गिवन है और क्या लेना आपको जो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए आपको जो वैल्यू आपको कितना चाहिए 0 और 270 के 360 के बीच में चाहिए 0 और 360 के बीच में चाहिए मतलब 0 से तो वैल्यू आपको 0 से कम नहीं चाहिए और 360 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए थी लिखे हो वाई इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से मिली आपको गिवन क्या है डिवाइडेड आपको 0 गिवन है इसमें लिखे हो लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए रेज कर रहे साइन ए रेज कॉस ए तो कॉस ऑफ 2x बट ये एक्चुअल में x है क्या ये x नहीं है तो आपको आगे कोई dy बाई डी एक्स ऑफ 2x निकालना है माइनस 2 साइन ए रेज कर रहे कॉस x। अब देखिए तो कॉस 2x ये 2 into 1 माइनस 2 कॉस x, ठीक है। इसमें क्या आपका ये जो 2 लिखे एक्सटेंड क्या हो गया 1 हो गया इतना आपको मिला इसके बाद कॉस 2x इंटू 2 होता है 2 आपको 2 को आगे लिख दो माइनस 2 कॉस x कॉस 2x है यहाँ पर तो कॉस 2x का फॉर्म है फॉर्म में देखिए क्या है कॉस 2x का कॉस 2x का फॉर्म में आता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके आपको कॉस 2x का फॉर्मूला है। अब इनमें से आपको कौन सा फॉर्मूला है इसमें आपको देखना है तो यहाँ पर कॉस है तो मैं आपको इधर भी कॉस का फॉर्म आना चाहिए हम इसमें फॉर्म यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए यहाँ पर कॉस के फॉर्म में आ चाहिए यहाँ पर कॉस का टर्म है तो यहाँ भी एक ऐसे आपको कॉस टर्म तो कॉस टर्म किसमें दिए आपको इसमें नहीं करेंगे थर्ड सब में इसमें बट इसमें कॉस टू साइन दोनों आ रहा बट आपको उन्हें क्या चाहिए कॉस का टर्म चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे तो देखिए 2 ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस एक्स इसके बाद 2 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है। आपको 2 अंदर 2 मिल गया। अब देखिए इसको कैश में 2 कॉमन निकाल लो तो 2 कॉमन निकाल आपको क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है। मैंने 2 के सब में से 2 कॉमन निकाला आपको ये मिल गया बट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0 ये आपको क्या है गिवन है ये आपको प्रश्न आपको गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स का मिला आपको ये मिला ये आपको क्या है डी वाई बाई डी एक्स मैंने मेरे सॉल्व किया ये मिला आपको इसके वजह से आपको 0 की बात क्या लिखे बोलो 2 ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 0 तो 2 यहाँ ये जल पाके डिवाइड होगा तो एक्स 0 बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स पहले कॉस का टर्म लिखो माइनस कॉस एक्स और ये माइनस 1 इक्वल टू 0.2 आप इसको डायरी क्या सकते हैं जरूर लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको इतना करना आपको डायरी क्या जरूर होगा, ठीक है। ये मिल गया। अब इसके बाद भैया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो ये फॉर्म क्वाड्रेटिक है तो मैं कंपेयर करने में मुझे क्या मिलेगा ए इक्वल टू क्या 1 मिलेगा बी इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 1 मिलेगा और सी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको सी इक्वल टू माइनस 1 मतलब आपको क्या मिला सॉरी 2 मिला यहाँ पर 2 मिला ए 2 मिला बी माइनस 1 मिला सी माइनस 1 मिला, ठीक है। अब देखिए आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे इसे बाय फॉर्मूला मेथड तो बाय फॉर्मूला मेथड आपका फॉर्मूला कॉस का है कॉस स्क्वायर फंक्शन है तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 एसी अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखिए तो माइनस
बीटा में आपको बी मिला माइनस बी क्या मिला माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू आपको ए क्या मिला ए इक्वल टू टू मिला है सी क्या मिला माइनस वन सी क्या मिला माइनस वन टू इंटू में टू टू की बिकॉज आपका ए इक्वल टू मिला सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो प्लस वन मिलेगा माइनस माइनस प्लस मिल गया आपको अंडर रूट में वन का स्क्वायर आपको वन मिला माइनस माइनस प्लस फोर टू था एट डिवाइड बाय फोर तो आगे देखिए तो वन प्लस माइनस अंडर रूट में नाइन अपन में फोर तो वन प्लस माइनस थ्री अपन में फोर ये आपको मिला कॉस एक्स क्या आपको कॉस एक्स मिला अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस तो लिख लो कॉस एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री अपन में फोर और cos x इक्वल टू वन माइनस थ्री अपॉन में फोर सिंपली आपको दोनों स्प्लिट करना है प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो फोर अपॉन फोर मिलेगा क्योंकि क्या मैंने वन अपॉन में ये आपको मिला cos x का मैंने आपको एक वन मिल गया और दूसरा क्या मिला आपको cos x इक्वल टू माइनस टू अपॉन में फोर मतलब माइनस वन अपॉन टू मिलेगा टू वन था टू टू था ये आप मिल गया cos x को आपको क्या मिला माइनस था ठीक है आपको ये जो भी मिला है ठीक है अब देखिए अब इसके लिए क्या करते हो कॉस इतना हो गया आपको आप आगे देख मिलना इसके बाद और पहले क्या मतलब कॉस एक्स इक्वल टू वन तो वन मतलब कॉस के जगह वन कब आता है कॉस जीरो वन होता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस जीरो आपको एक्स क्या मतलब कॉस जीरो मिलेगा ठीक है आपको क्या मतलब कॉस जीरो डिग्री या आपको वन मिलता है ठीक है और सेकेंड चीज आपको देखिए आपका जो ग्राफ है देखो आपको ये कॉस के वन का बात है ठीक है तो कॉस के आपको वन का बात है जीरो का आता है और टू पाई का आता है सबसे किस पता है फोर पाई आता है ठीक है आपको जीरो वन का पाएगा जीरो पे टू पाई फोर पाई आपको आगे देख सकते हैं और नेक्स्ट वाली क्या है आपको कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ तो कॉस पर ये हाफ मतलब कि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री माइनस हो गया अब यहाँ पर एक कॉर्डिनेट आपको याद रहेगा ये आपका फर्स्ट है सेकंड थर्ड और फोर्थ में ये आपका पाई तो ये टू पाई पाई बाई टू है और ये आपका थ्री पाई बाई टू ठीक है अब कॉस इसमें ऑल साइन इसमें सब एंगल पॉजिटिव है इसमें साइन कॉस है इसमें टैन है कॉट इसमें कॉस है आपको इसमें क्या है नेगेटिव दिया है तो साइन नेगेटिव इसमें साइन नेगेटिव आपको इसमें कॉस नेगेटिव है आपको तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पर खाली फोर कॉट में यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव इसमें थर्ड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है बाकी सेकेंड थर्ड में नेगेटिव है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ मतलब आपको बाय प्रिंसिपल ड्रॉप कर दिया मैं बाय आएगा एंगल आपको कॉस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस कॉस ऑफ और ये पाई तो आपको कॉस इसमें नेगेटिव है कॉस ऑफ इसमें नेगेटिव ना तो पाई माइनस एक्स इक्वल तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल क्या मिले आपको पाई बाय थ्री मिली आपको मिले क्या पाई बाय थ्री तो आपको क्या मिले पाई बाय थ्री मतलब कॉस ऑफ टू पाई बाय थ्री मिल सकते हैं क्या मिलेगा टू पाई बाय थ्री मिलेगा ये आपको कॉस एक्स है एक वाली आपको मिल गया एक्स इक्वल वाली आपको मिला मिला टू पाई बाय थ्री मिल सकते और चीज़ आपको कॉस यहाँ पर देखिए आपको टेबल है तो कॉस यहाँ पर नेगेटिव है तो कॉस यहाँ भी तो नेगेटिव है ना कॉस यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो कॉस यहाँ भी नेगेटिव है कॉस सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव है तो ये पाई माइनस की आ जाएगा अगर प्लस होगा तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स तो क्या मिला कॉस पाई एक्स प्लस एक्स क्या मिला आपको जो कि आपको पाई बाय थ्री है तो पाई बाय थ्री लो ठीक है पाई बाय थ्री में आपको क्या मिला कॉस ऑफ ये थ्री प्लस वन फोर पाई बाय थ्री कट गया आपको एक्स क्या मिला आपको फोर पाई बाय थ्री ठीक आपको वैल्यू से जिससे आपको क्या कॉस क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है कॉस आप किसमें मिला आपको कॉस वन पॉजिटिव कितना तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा एक्स इक्वल क्या आपको जीरो मिला किसके लिए वन के लिए उसके बाद आपको हाफ किसमें मिलता आपको एंड हाफ किसमें मिला आपको एक ही मिला आपको टू पाई बाय थ्री ठीक है और आपको एक टू पाई भी आने वाले आंसर और ये आपको टाइप आंसर पीछे दिया नहीं देखिए तो वन आपको किसमें मिला जीरो मिला और किसमें मिलेगा आपको टू पाई पे और हाफ किसे मिलेगा ये
2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 का आपको हाफ मिला है। मैं आपको पीछे से आपको इतना आंसर दे दीजिए, क्या दिए पीछे से एक्स इक्वल जीरो और 2 पाई गिवन, इतना तीन ही गिवन आपको, ठीक है, इतना आपको पीछे से गिवन है, ये भी होना चाहिए उन्हें लिए उड़ूंगी, ठीक है। नंबर एट आपको स्कूल लेफ्ट टाइम में ये ना क्वेश्चन कम्प्लीट करना है, एक्टिविटी बेस में तो कम्प्लीट करना है अभी के। पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू क्या ही होने स्क्वायर प्लस फाइव यू, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यदि आपका एक्स था, एक्स के प्लेस पे क्या आ गया जी ऑफ एक्स आ गया, एक्स के प्लेस पे क्या आ गया जी ऑफ एक्स आ गया, तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग एक्स के प्लेस पे क्या लेंगे जी ऑफ एक्स का हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स आपको इतना गिवन था, सेम मैंने कॉपी किया। अब आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो मीन एफ का एफ है जी के प्लेस पे क्या है जी ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस जी ऑफ एक्स है, तो एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स आ गया स्क्वायर के स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, जी ऑफ एक्स के लिए आपको क्या मिला है ए रेज टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव, जिसमें कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू में होल स्क्वायर ए प्लस थ्री होल स्क्वायर फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री स्क्वायर, तो ए टू एक्स बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी ए और ये आपका मिला बी प्लस 25, ठीक है, बी का स्क्वायर सॉरी सर आपको थ्री में 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25, तो हमने क्या किया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर 9 होगा आपको, ये 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, ठीक है। आप देखिए तो ए ए रेस टू ए टू एक्स में यहाँ प्लस थ्री टू था 6 ए रेस टू एक्स प्लस 9 प्लस 4 14, तो आपको फर्स्ट फिलियर में क्या आ गया आपको ए रेस टू 2x प्लस 6 ए रेस टू एक्स प्लस 14 आपको ये मिल गया। और सेकेंड देखा देखिए सेकेंड आपको क्या निकालना है, आपको जी एफ ऑफ एक्स आपको फाइनल करना, ठीक है। तो देखिए आपको जी ऑफ एक्स आपको एक्चुअल में गिवन क्या है, जी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है ई एस टू एक्स प्लस थ्री गिवन, आपको निकालना क्या है जी एफ ऑफ एक्स निकालना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जी का जी है और एक्स के प्लेस पे क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया, एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ई एस टू एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स आया, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। अब देखिए आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वाले में क्योंकि क्या मिला स्क्वायर प्लस फाइव, तो राइट ये ई एस टू स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री, आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया, तो क्या मिला वो ई एस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये प्लस आपका थ्री। एफ डेट एक्स निकलें तो पहले आपको एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है स्क्वायर प्लस फाइव, आपको निकालेंगे एफ एफ डेट एक्स मतलब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला टू एक्स टू माइनस वन प्लस जीरो, आपको ये टू एक्स मिलेगा या आपको एफ डेट एक्स क्या मिला आपको टू एक्स मिला। अगर आपको जी डेट निकालना है तो जी ऑफ एक्स पहले आपको क्या गिवन है, आपको जी ऑफ एक्स गिवन ई रेस टू एक्स क्या गिवन है ई रेस टू एक्स प्लस थ्री, आपको जी डैश एक्स निकालना है तो मतलब ई रेस टू एक्स प्लस जीरो, तो ई रेस टू एक्स ही मिलेगा, फिर आपको क्या आ गया ई रेस टू एक्स आ गया। द डेरिवेटिव ऑफ एफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, मतलब इसमें आपको कुछ वैल्यू आ गया, हमने इसने दोनों में वैल्यू पुट किया, इसमें आपको वैल्यू पुट नहीं करना, आपको सिंपली ओनली डेरिवेटिव निकालना है, तो किसका डेरिवेटिव निकालना है एफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आपका पहले एफ ऑफ एक्स का एफ डेट एक्स का डेरिवेटिव करता है या आपका एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव करता है एफ डेट एक्स होता है, अगर ये एक्स नहीं रहेगा तो आपको आगे डेरिवेटिव करना पड़ता है, बाकी तो एक्स और एक्स के लिए अब क्या है उसमें इसका क्या मिला आपको एफ डेट जी ऑफ एक्स ये मिलेगा, बट ये एक्स है क्या नहीं है तो आपको इससे भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा जी डेट एक्स, ठीक है, आपको ये मिला। तो इसका आंसर अब इसमें आपको वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है, आपको वैल्यू पुट नहीं करना, क्यों आपको टर्म्स ऑफ किस में चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी चाहिए, इसकी आपको ये वैल्यूज पुट नहीं करना है, तो क्या मैं आपको देखो बोला एफ डैश जी ऑफ एक्स और दूसरा जी डैश एक्स, एक्स में क्या आपको आगे माफ आ जाए डी एफ ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, अब मैं लिख लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
इसका वैल्यू आपको क्या मिला? f of g of x हमें जो वैल्यू मिला हमने निकाला, इससे वैल्यू क्या मिला आपको? e^2 2x + 6e^x + 14 ये मिला। अब आपको इसका भी क्या करना है? डेरिवेटिव करना है इसका, डेरिवेटिव। तो आपको क्या आप आ गया f of g of x का आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकाला। तो ये e^x का डेरिवेटिव आपको e^x होता है, बट ये x से क्या x नहीं आपको आगे करना पड़ेगा, तो d/dx(2x + 6e^2) का डेरिवेटिव e^x ही होता है प्लस जीरो। क्यों? 14 आपका कॉन्स्टेंट नंबर है, तो आपको e^2 2x मिलेगा, 2 × 1 1 के ऊपर x वैल्यू कौन होता है, तो आपको 2 मिलेगा प्लस 6e^2x आपको आंसर दिया है। ये वाले में डेटिव में आप ये वाले अपने आपको लिख दो, तो 2e^2x + 6e^2x ठीक है। अब आगे देखिए आपको ये आगे इसको क्या करना है, इसका डेटिव आपको एक x के ऊपर करना है। मैं आपको देखिए डेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x हमने डेटिव निकाला और उसमें क्या है आपको x की वैल्यू 0 पुट करना है। क्या लिखो? पुट x इक्वल टू 0। तो क्या मिले यहाँ? 2e^2 × 0 + 6e^2 0। तो ये 2e^0 + 6e^2 0। अब बता कोई भी पावर में 0 था, कौन सी क्या था, 1 था, तो 2 × 1 + 6 × 1 2 + 6 क्या मैंने आपको 8 मिला। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा आपको 8 आएगा। नेक्स्ट देखिए द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x का आपको वैल्यू क्या मिला देखिए, g ऑफ f ऑफ x ये वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या मिला आपको e^2 12 + 5 + 3 है, ये आपको गिवन है। अब इसका आपको क्या मिला डेरिवेटिव बोले, क्या मिला डेरिवेटिव, तो g ऑफ f ऑफ x, तो इसमें कौन सा e^2x का फॉर्मूला उसे वही है यहाँ। अब इसको आगे डेरिवेटिव करके क्या मिला d/dx(12 + 5 = 0 इसमें e^2x का फॉर्मूला यूज किया तो e^2x आ गया, तो आपको आगे x नहीं इसके लिए आगे डेरिवेटिव करना पड़ा, तो आपको e^2x² + 5 आपको 2x + 0 और ये ठीक है, इसमें x² का फॉर्मूला इसके 5 का 0 होगा, तो आपको e^2x² + 5 आपको मिला, उन्हीं 2x बचे हैं, 2x को आगे लिख दो, ये हो गया। इसमें आपको क्या मिला 2x e^2x² + 5। अब ये नेक्स्ट में क्या, जब इसको ही सेम किसमें, इसमें आपको x की वैल्यू -1 पुट करना है, तो क्या लेंगे आपको d/dx(g(f(x) इसकी वैल्यू क्या पुट करना आपको x = -1, तो इसमें क्या करो पुट करो -2 × -1 हो गया x की वैल्यू e^2 - 1 का स्क्वायर + 5, तो ये आपको -2 मिलेगा e^2, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा -2 मिलेगा और e^2 1 की पावर क्या आपको ये नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या मिला आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो 1 मिलेगा प्लस 5, तो -2 e^2 1 + 5 आपको 6, तो आपका आ गया फाइनल आंसर e^2 6, तो आपका आ गया सिंपल आंसर ठीक है। आपको तो इसमें प्रैक्टिस करना बड़ा पड़ेगी, ध्यान से आप लोग करो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आपका 1.1 का वीडियो ठीक है, जो आपको हर एग्जाम क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, और इसके बाद आगे भी जाऊँगा 1.2 उसके वीडियो अपलोड करूँगा मैं सीरियल वाइज, ठीक है, तो जो डाउट प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए बताओ कमेंट बॉक्स में।